अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सनिया मलिक फ्रॉम सरगोधा। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट डेमो ऑन फेयर एंड केयर कॉस्मेटिक्स बाय एस्मा डॉल। ये हमने टिकटॉक आईडी पे फर्स्ट टाइम देखे थे प्रोडक्ट्स, हमने इनको ऑर्डर किया और फर्स्ट अटैम्प में हम सेटिस्फाइड हैं। टिकटॉक आईडी इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। चलिए अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चलिए अब हम अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक एम्प्टी बाउल, उसमें हम ऐड करेंगे पिंक स्किन पॉलिश। पिंक स्किन पॉलिश बॉयज़ की स्किन के लिए बेस्ट है। हाफ स्पून हम स्किन पॉलिश ऐड करेंगे। पिंक स्किन पॉलिश लेनी है हमने। पिंक स्किन पॉलिश का जितनी हमने स्किन पॉलिश लेंगे उसका डबल हम इसमें डेवलपर ऐड करेंगे। डेवलपर भी स्किन टाइप के लिहाज से होते हैं। ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट डेवलपर है और ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट। पिंक जितना हमने पिंक पाउडर लिया है उसका डबल ही हम इसमें डेवलपर ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। एक स्मूथ टेक्सचर ये बन जाएगा। स्लोली मिक्स करें इसे जब तक कि ये एक स्मूथ टेक्सचर बन जाए। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। इसे हम पैचेस की फॉर्म में अप्लाई करेंगे ताकि आपको डिफरेंस क्लियर नज़र आए। हमने पैचेस की फॉर्म में इसलिए अप्लाई किया है ताकि आपको इसका डिफरेंस नज़र आए कि स्किन कितनी क्लियर हो जाती है इसके बाद। हमने इसे अप्लाई कर दिया। अब हम 15 मिनट वेट करेंगे, इसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे फॉर बेटर रिज़ल्ट। हमारे 15 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम इसे रिमूव करके आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। ये देखें कितना क्लियर रिज़ल्ट है। ये फेयर एंड केयर की हमने पिंक पॉलिश की है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर रिज़ल्ट आया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये ना हेयर रिमूवल है, ये हेयर रिमूवल नहीं। आप देख सकते हैं कि ये स्किन पॉलिश ही है। बाल अपनी जगह पे मौजूद हैं लेकिन अब क्लियर हो गए, उनका टेक्सचर लाइट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू एस्मा डॉल फॉर प्रेजेंटिंग अस सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट्स। थैंक यू।